रुक करेंगे अजमेर के केकड़ी से निकल रही बड़ी खबर की ओर। केकड़ी पालिका अध्यक्ष को निलंबित किया जा चुका है। अनिल मित्तल को पद के दुरुपयोग के मामले में निलंबित किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन है केकड़ी से संवाददाता जेपी सोनी। जी जेपी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, उनको अभी अभी डीएलबी से जो आदेश मिला है उसके तहत उनको निलंबित कर दिया गया है। उन पर पद पर रहते हुए कई अनियमितताओं के आरोप थे। तेजा मेले में आय से अधिक खर्चा करने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने शिकायत की थी। इस मामले को लेकर डीएलपी कई दिनों से जांच में जुटी हुई थी और अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक उनको निलंबित कर दिया गया है। जी, कौन सी पार्टी से ये थे अनिल मित्तल जिनको निलंबित किया गया है? अनिल मित्तल भारतीय जनता पार्टी से पालिका अध्यक्ष थे। जी, केवल एक ही आरोप था मेले का या अन्य और भी आरोप थे उनके ऊपर? कई सारे आरोपों की एक साथ जांच चल रही थी। सारी जांचों, अलग अलग जो जांचें चल रही थी कई दिनों से, उन सारी जांचों का सार निकालते हुए उनको निलंबित किया जा चुका है। और डीएलबी की ओर से अब सरकार का विधि विभाग इस मामले में विस्तृत जांच करेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजमेर के केकड़ी से हमारे संवाददाता जेपी सोनी, जिन्होंने बताया कि विभिन्न अनियमितताओं के चलते डीएलबी ने अब पालिका अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। सरकार का विधि विभाग अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगा। केकड़ी पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को निलंबित किया जा चुका है।